हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है टॉप NIT CSEC की एक्सेप्टेड कट ऑफ फॉर 2024, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NIT की। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्किटेक्चर की, जिसमें आपका अदर स्टेट कोटा की बात करें तो इसमें आपकी क्लोजिंग रैंक जा सकती है 250 से 350 के बीच में। अगर आपकी रैंक इसके आसपास है जेई मेन में, तो आपको जो है NIT त्रिची में आर्किटेक्चर मिल जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इसमें अदर स्टेट की बात करेंगे तो आपका इसमें क्लोजिंग रैंक जा सकता है 1600 से लेके 1800 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है जेई मेन में, तो आपको जो है CSEC के थ्रू NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें बात करेंगे अदर स्टेट की, तो इसमें आपकी क्लोजिंग रैंक जा सकती है 5000 से 5500। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है NIT त्रिची में ECE मिल जाएगी CSEC के थ्रू। अब मूव करते हैं होम स्टेट कोटा की, तो इसमें आपकी 7000 से 8000 के बीच में जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है NIT त्रिची में ECE मिल जाएगी CSEC के थ्रू। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है EEE। तो इसमें बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की, तो इसमें आपकी क्लोजिंग रैंक जा सकती है 7000 से 8500 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है EEE मिल जाएगी NIT त्रिची में। हम मूव करते हैं होम स्टेट कोटा की, तो इसमें जा सकती है 10000 से लेकर 11000 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको NIT त्रिची में जो है EEE मिल जाएगी CSEC के थ्रू। हम मूव करेंगे नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की, तो इसमें आपकी क्लोजिंग रैंक जा सकती है 13000 से लेकर 14000 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT त्रिची में। हम मूव करते हैं होम स्टेट कोटा की, तो आपकी इसमें क्लोजिंग रैंक जा सकती है 16000 से 17000 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है NIT त्रिची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी CSEC के थ्रू। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिसमें बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की। इसमें आपकी जा सकती है क्लोजिंग रैंक 14000 से 15000 के बीच में। एंड होम स्टेट कोटा की बात करूँ, तो इसमें जा सकती है 15000 से लेकर 17000। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है NIT त्रिची में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल जाएगी CSEC के थ्रू। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें हम बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की, तो इसमें जा सकती है क्लोजिंग रैंक 19000 से 21000 के बीच में। एंड होम स्टेट कोटा की बात करें, तो इसमें आपकी जा सकती है 22000 से लेकर 23000 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है NIT त्रिची में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी CSEC के थ्रू। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें आपकी बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की, तो आपकी 21000 से लेकर 22000 के बीच में जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको NIT त्रिची में CSEC के थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जिसमें हम बात करेंगे होम स्टेट कोटा की, तो आपकी जा सकती है 24000 से लेकर 26000 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है, तो आपको जो है NIT त्रिची में CSEC के थ्रू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा है। हम मूव करेंगे अदर स्टेट कोटा की, तो इसमें आपकी जा सकती है 27000 से लेके 29000 के बीच में। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है, तो आपको NIT त्रिची में CSEC के थ्रू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, जो कि है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इसमें आपकी अदर स्टेट कोटा की बात करें, तो इसमें आपकी 27000 से 29000 तक क्लोजिंग रैंक जा सकती है। एंड होम स्टेट कोटा की बात करें, तो 32000 से लेकर 34000 तक जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही, तो आपको जो है NIT त्रिची में CSEC के थ्रू मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। हम मूव करते हैं NIT वारंगल, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे CSC की, जिसमें आपकी अदर स्टेट कोटा की ओपनिंग रैंक जा सकती है 2600 एंड क्लोजिंग जा सकती है आपकी 2800। एंड होम स्टेट कोटा की बात करें, तो आपकी ओपनिंग रैंक जा सकती है 3200 एंड क्लोजिंग की बात करें, तो 3400। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है, तो आपको जो है CSC मिल जाएगी NIT
वारंगल में सी साहब के थ्रू हम बात करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो कि है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अगर इसमें बात करेंगे होम स्टेट की तो आपकी ओपनिंग रैंक 4600 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो आपकी 4800 जा सकती है, एंड अदर स्टेट कोटा की बात करें तो आपकी ओपनिंग रैंक जा सकती है 4600 एंड क्लोजिंग की बात करें तो 4800। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो है NIT वारंगल में सी साइड के थ्रू मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है ECE। तो इसमें हम बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की। इसमें आपकी एक्सेप्ट ओपनिंग रैंक जा सकती है 6,000 एंड क्लोजिंग की बात करें तो 7,000 जा सकती है, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो स्टूडेंट अगर होम स्टेट कोटा की बात करें तो इसमें आपकी जा सकती है 6,500 एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 7,500 जा सकती है। तो अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो है NIT वारंगल में CSAP के थ्रू ECE मिल जाएगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है VLC। तो इसमें आपकी अदर स्टेट कोटा की बात करें तो आपकी ओपनिंग रैंक जा सकती है 6,500 एंड क्लोजिंग की बात करें तो 7,500 के अप्रॉक्स जा सकती है। होम स्टेट की बात करें तो आपकी सेम ही जाएगी जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो आपको जो है BLC मिल जाएगी NIT वारंगल में CSAP। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है EEE। तो इसमें आपकी अदर स्टेट कोटा की बात करें तो आपकी 11,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो आपकी 11,000 जाएगी, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो आपकी 11,000 आपकी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग की बात करें तो 12,000 जाएगी। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही तो आपको जो है EEE मिल जाएगी NIT वारंगल में CSAP के थ्रू। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की। तो आपकी इसमें ओपनिंग रैंक 17,000 जा सकती है, क्लोजिंग की बात करें 18,000 जा सकती है, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो इसमें आपकी 19,000 जा सकती है, क्लोजिंग की बात करें तो 20,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो आपको जो है NIT वारंगल में CSAP के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। हम मूव करेंगे नेक्स्ट ब्रांच जो कि केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें आपकी अदर स्टेट कोटा की बात करें तो 21,000 ओपनिंग रैंक जा सकती है, क्लोजिंग की बात करें 23,000 जा सकती है, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो आपकी 28,000 ओपनिंग रैंक जा सकती है, क्लोजिंग की बात करें तो 30,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो है NIT वारंगल में CSAP के थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें बात करेंगे अदर स्टेट कोटा की। तो आपकी ओपनिंग रैंक 30,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 32,000 जा सकती है। अदर स्टेट कोटा की बात करते हैं तो इसमें आपकी ओपनिंग रैंक 33,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 35,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो NIT वारंगल में CSAP के थ्रू आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो इसमें आपकी अदर स्टेट कोटा की बात करते हैं। इसमें आपकी ओपनिंग रैंक 30,000 एंड क्लोजिंग की बात करें तो 32,000 जा सकती है, एंड अदर स्टेट कोटा की बात करें तो 31,000 एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 33,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो है NIT वारंगल में CSAP के थ्रू मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आपकी अदर स्टेट की बात करें तो 34,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 36,000 जा सकती है, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो ओपनिंग रैंक 32,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 34,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है जेई मेन में तो NIT वारंगल में CSAP के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है फिजिक्स। तो इसमें आपकी अदर स्टेट की बात करते हैं जिसमें आपकी ओपनिंग रैंक जा सकती है 36,000, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 38,000 जा सकती है, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो 54,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 59,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है तो NIT वारंगल में CSAP के थ्रू फिजिक्स मिल जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है मैथमेटिक्स। उसमें अदर स्टेट की बात करेंगे तो आपकी जो है ओपनिंग रैंक 42,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 44,000 जा सकती है, एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो 48,000 जा सकती है, एंड क्लोजिंग की बात करें तो 53,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है जेई मेन में तो आपको NIT वारंगल में CSAP के थ्रू मैथमेटिक्स जो है
मिल रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे अदर स्टेट की। तो इसमें आपकी ओपनिंग रैंक जा सकती है 2-3,000 एंड क्लोजिंग की बात करें स्टेट फॉरन जा सकती है। एंड होम स्टेट कोटा की बात करें तो इसमें आपकी ओपनिंग रैंक 63,000 जा सकती है एंड क्लोजिंग की बात करें तो 68,000 जा सकती है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है तो आपको यूनाइटी वारंगल में इस केमिस्ट्री मिल रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एनआईटी की जो कि है सूरत का। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे सीएससी की। तो इसमें आपकी जो है क्लोजिंग रैंक जा सकती है, ये अदर स्टेट कोटा की बात करें तो इसमें आपकी जा सकती है 2,200 से लेकर 2,400 के बीच में। एंड आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें आपकी 3,300 से लेकर 3,500। एंड आईटी की बात करें तो इसमें 4,000 से लेकर 4,200। एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस की बात करें तो 4,600 से लेकर 4,800। एंड ईसीई की बात करें तो इसमें आपकी 5,500 से लेकर 6,500। एंड डबल ई की बात करें तो इसमें आपकी 9,500 से लेकर 10,500। मैकेनिकल की बात करें तो 14,000 से लेकर 16,000। केमिकल की बात करें तो इसमें 20,000 से लेकर 22,000। सिविल की बात करें तो इसमें 25,000 से लेकर 27,000। मेटलर्जिकल एंड मेटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 27,000 से लेकर 29,000। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 33,000 से लेकर 35,000। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आ रही है जेईई मेन में तो आपको जो है एनआईटी सूरतकल में जो है सीसैक के थ्रू ये ब्रांच मिल सकती है।